पंखा जब चल रहा हो तो शूट नहीं करना। भाई वो भगवान है। नहीं वो भगवान नहीं है लेकिन वो सही कहता है, जब पंखा चल रहा होता है ना तो अपनी आवाज सही नहीं आती, और लिफ्ट में अभी इस समय हम लोग की आवाज गूंज रही है। एसी चला रहे हैं। लिफ्ट में एसी नहीं होता मैडम। हां तो तुम्हारे लिए पैकिंग। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एक पता है क्या, अब इसमें एक माइक की ज़रूरत पड़ती है मेरे को ऐसा लगता है। मैंने आपकी बार एडिटिंग के टाइम पे कई बार देखा कि कई बार हम लोग जब थोड़ा धीरे बोलते हैं ना तो आवाज़ इस तक एकदम क्लियर नहीं पहुंचती, पहुंचती है लेकिन एकदम क्लियर नहीं पहुंचती। रिपीट करते हो। मैंने वीडियो में नोटिस किया है। अभी उन्होंने नीचे टहलने इसलिए आए हुए हैं क्योंकि सोसाइटी में आज कोई मीटिंग होने वाली है एंड दे कॉल्ड अस अटेंड करने को शाम को 6 बजे। अभी तो ऑलमोस्ट 6:30 बज रहा है, 6:30-7, लेकिन अपन लोग बालकनी से देख रहे थे, हमको कोई दिखा नहीं। हाँ तो हम यहाँ प्रेजेंट लगाने अपनी बताएं कि हम लोग आए थे लेकिन कोई दिखा ही नहीं, इसीलिए कुछ हुआ ही नहीं, फिर हम वापस चले गए। तो इसलिए हम लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, नॉट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, हम लोग तो इंतज़ार में थे कि लोग आए लेकिन लोग आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा मौसम भी हो रहा है, बादल बुदल थोड़े से हैं। आर यू एंजॉइंग दिस? तुम उस दिन रात में भी कह रही थी टहलने चलो लेकिन मैं थोड़ा बिजी था। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे लिए। एडिटिंग में भी बिजी था यार, देख तो रही हो तुम। आप इधर ही गार्ड हो भैया इस वाले घर में, बहुत अच्छा घर लग रहा है। तो अपन लोग डिसाइड किया कि 15 मिनट से वॉक करेंगे, इस बीच को दिखा तो दिखा वरना ऊपर चले जाएंगे क्योंकि अपने को अभी थोड़े बहुत काम है। थंबनेल बनाना है। हाँ ये घर है सोसाइटी में, ये क्या है? नहीं एक्चुअली पता है ये क्या है, ये जैसे अपने घर के सामने बन रहा है ना प्लॉट, अरे मतलब अपने बालकनी के सामने जो प्लॉट बन रहा है, ये कुछ वैसा ही है। अब उस प्लॉट पे तुम अगर इतना शानदार दो बना लिए और तुमने दोनों किराए पे उठा दिए एक जैसे बना के, बहुत सही है। चलो मैं ड्रोन से इस घर को अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। अपने कॉलोनी में भाई एक वो भी है, क्या है ये, जगुआर। तुम्हें पता है ना जब मैं गाड़ियाँ और बाइक्स देखता हूँ तो आई गेट अट्रैक्टेड। यहाँ पे भी अट्रैक्ट कर दूँगी तुम्हें अभी, ये हाथ ऐसे ऐसे जो चल रहे थे। नहीं ऐसा नहीं करने का। तो दिस इज दाल मखनी राइस, आज का डिनर मैडम के द्वारा। दाल मखनी इज वेरी टेस्टी शिल्पी, थैंक यू सो मच। ठीक है वेलकम। नहीं कुछ नहीं, यही सिखाते तुम्हारे स्कूल में? एटिकेट्स नहीं है बट स्टिल खाना बनाना अच्छा सिखाते हैं तुम्हारे स्कूल में। स्कूल नहीं घर है मेरा। दिस आइसक्रीम पूरी मेल्टेड है यार। हैव मोर वाली दो, वो भी ऐसे ही होगी तुम्हें। दिखाओ तो सही शक्ल। तुम्हें क्या लगता है वो जमी होगी? ये भी जमी नहीं यार, मेरी गलती नहीं है अभी ना, हर चीज ये बड़ी है। ये सही है, मैं भी खाऊंगा फिर यही वाली। नेक्स्ट टाइम से फ्रिज बंद ही मत खाओ, ऐसा लग रहा है कि हम दूध पी रहे हैं। तुमने सबका बड़ा कर दिया, अब प्लीज कल से फ्रिज बंद ही मत करना यार। मैं साला मैं तुम्हें सर पे उठा के फेंक के मारूंगी। निकलते टाइम मैंने तुमको कॉल किया था कि मैं फ्रिज बंद कर रही हूँ। हाँ मैं आते मान ही ऑन कर दूंगा, आते मान वर्ड मैंने तुमसे सीखा है, मैं आते मान ही ऑन कर दूंगा। अब वो ऑन कर दूंगा मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ ना। अरे दुनिया से डरो, दुनिया से डरो, दुनिया देख रही है ये तुम्हारा ऐसे। मतलब तुमने फ्रिज में रखा आइसक्रीम, ठीक है फ्रीजर में रखा आइसक्रीम, एक ऐसी चीज़ जो कि गलने लगती है अगर उसको टेम्परेचर ना मिले, तब भी तुम्हें नहीं याद है कि फ्रिज ऑन करना है? नहीं देखा यार मैंने, रख दी मैंने। हाय कितनी भोली है, हाय मेरी बच्ची नजर ना लगे। द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, ये लो खाओ। सुबह सुबह ये कौन खाता है यार? हर कोई खाता है। मैं नहीं खा रही। कुछ तो खा ले, सुबह सुबह मीठा इस ढंग की चीज क्या खाएगी फिर? गर्म पानी पीऊंगी अभी। मैं अब भी कह रहा हूँ एक पीस खा के देख, इतना सा खा ले, ये वाला देखो। हाँ मुँह कैसे खुल गया, मैं गर्म पानी पीऊंगी पहले, ये लो। प्यार से खिलाएगा तो एकदम प्यार से ही तो खिला रहा हूँ, तभी तो तू खा रही है। उठ के बैठ के खाया जाता है वैसे तो। सुबह उठी है कि फोन चालू तेरा, बॉम्ब चक बॉम्ब चक चक चक। तो ब्रेकफास्ट इज डन और आज का टास्क क्या है? आज का टास्क है कि ये देखो ट्रिप से लौट करके आए हैं, जूते अभी तक गंदे पड़े हुए हैं, राइडिंग जैकेट अभी तक गंदी पड़ी हुई है, हेलमेट गंदा पड़ा हुआ है, तो आज ये सब सफाई होगी, संडे का भरपूर यूसेज होगा। सुबह सुबह दीपक का कॉल आया, कह रहा था कि आओ चलो मूर्थल चलते हैं कुछ खा के आते हैं, लेकिन थोड़ी धूप सी हो रही थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं था कहीं पे भी जाने का, तो आई सेड कि यार
मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें मर्जी हो तो तुम चले जाओ। तो बेचारा बोला कि यार तुम तीसरे बंदे हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया मूर्थल जाने के लिए। उसने दो बंदों को और पहले फोन कर चुका था, लेकिन मैंने भी मना कर दिया क्योंकि आई हैव टू क्लीन दिस स्टफ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए। एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हम लोग के यहाँ जो मेड आता है उसको रिप्लेस करके मेड आती है लगाना है। तो अभी कोई मिल नहीं रहा है, बट एक दो लोगों से बातचीत हुई है। लेट्स सी कि क्या होता है। आज पॉसिबिलिटी है कि वो मिल जाएगा। नहीं, आज सिर्फ बात होगी, वेंसडे से लगेगी। तो ये राइडिंग बूट साफ हो गए हैं, इनको कर दूंगा अभी मैं पैक। और वो डीकैथलॉन वाले जूते भी साफ हो गए हैं, शिल्पी वाले भी। ये सूखने के लिए भी यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि फैन चल रहा है, लेकिन बाहर बारिश हो रही, बाहर रख नहीं सकते। बची है ये जैकेट और हेलमेट्स, अब इनको भी साफ सफाई करते हैं। फिर उसके बाद आज संडे का दिन है यार, बीबी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो उसके पास थोड़ी देर जाके बैठते हैं वरना वो हो जाएगी नाराज। ठीक है, जैकेट साफ करने के बाद अब बारी आती है इन हेलमेट्स की। तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, चलो इसको भी करके एक काम ख़त्म करते हैं। और ये जो मेरा ब्लूटूथ डिवाइस हेलमेट वाला ख़राब हुआ था, मैं सोच रहा हूँ कि उसको इसमें से अनइंस्टॉल कर देता हूँ और इसको डालता हूँ मैं चावल के पैकेट के अंदर। मे बी ये प्रॉपरली वर्क करने लगे, अभी तक ये उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। हेयर ड्रायर मारा, धूप में रखा, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक ये इसमें प्रॉपर आवाज़ नहीं जा रही है। तो अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास ये है कि इसको चावल के पैकेट में रख के देखते हैं, जो भी मॉइस्चर होता है चावल उसको सक कर लेता है। तो लेट्स सी If this works, अगर फिर भी ये काम नहीं करता तो मेरा थोड़ा खर्चा हो जाएगा, ये नया डिवाइस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो मुश्किल है। दिस इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर मी, ये तो रिक्वायरमेंट की चीज़ है बॉस। स्टिल इसको अनइंस्टॉल करते हैं, डालते हैं चावल के पैकेट में। We got new plants. अब तो मैंने प्लांट करोगी। हमारे पास तीन पॉट्स हैं, एक बड़ा, ये दो वो छोटे छोटे। तो शिल्पी, व्हाट्स योर प्लान, कौन कौन से हैं हमारे पास? मनी प्लांट जरूर लगाऊंगी। ओके, और है कौन कौन से हमारे पास? यार मेरे को नहीं पता, ये इंडोर प्लांट्स हैं, ये मैंने तुमको ला के दिए थे, तुमको याद है, तुमने सारे दोनों पेड़ खराब कर दिए। मैंने कुछ भी नहीं खराब किया, जब से तुमने इसे बाहर रखा है तब से वो मर गया है। कुछ चम्मच या कुछ दो, या चाकू दो, फावड़ा टाइप चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ चम्मच दे दो, मतलब हाँ उसको टेलिंग करने के लिए ना। हाँ ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, ये लो, आराम से करना, चोट मत लगा लेना प्लीज, जो भी करना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्यों भाई, क्या हो गया? मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। तो ये भी तो तुम्हारा ही घर है? नहीं, वो ये है, वो भी तो मेरा घर है। मतलब क्या है कहने का, मैं समझा नहीं। मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ कौन रहेगा? तुम रहोगे जैसे पहले रहते थे। अजी हाँ, अब तो जा क्यों रही हो, ऐसी क्या बात हो गई? बस ऐसे ही, तुम बोर मारते हो। दो छोटे प्लांट्स हैं और एक ये बड़ा वाला प्लांट है जिसमें ऑलरेडी एक फ्लावर है। चलो शुरुआत कुछ तो हुई, बहुत दिनों से प्लांटेशन गार्डनिंग हो रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, फाइनली कुछ तो स्टार्ट हुआ। मैडम आज क्या बना रही हो? पाव भाजी। हाँ। इसमें ये सब क्यों पड़ता है क्या? हमारे घर में तो नहीं पड़ता था। तुम्हारा घर और यहाँ वाला घर में बहुत फर्क है। अरे नहीं, बट स्टिल ये तो नहीं डलता था। कद्दू, लौकी भी डली है, राइट? और चने की दाल। ये तो सांभर में पड़ता है यार। सांभर में सिर्फ ये अरहर की दाल बनती है और कद्दू लौकी बनती है। नहीं, ये भी पड़ता है। इसमें आलू भी डलते हैं लेकिन मैंने आलू अलग से बॉइल कर लिए। चलो व्हाटएवर इट इज, लेट्स सी तुम कैसे बनाती हो आज। ये सैलेड के लिए क्या कर रही हो? सैलेड पाव भाजी के साथ कौन खाता है? कौन नहीं खाता। तो वो छोटे छोटे प्याज कटते हैं जो ऊपर से डालते हैं। यार तुम्हारा तरीका अलग है। तुम्हारे यहाँ पता नहीं कैसे पाव भाजी बनती है। मेरे को बनाने दो। पाव भाजी के साथ सैलेड कौन खाता है? प्याज टमाटर खाते हैं सब। पता नहीं यार, कमेंट करके बताओ कि पाव भाजी के साथ सैलेड कौन खाता है। हमारे यहाँ तो नहीं बनता, तुम्हारे यहाँ पता नहीं बनता होगा कैसे। हमारे यहाँ तो बनता। चलो नई नई चीज है, नई तरीके से। और हमारा तुम्हारा क्या है, अब जो भी है हमारा ही है। तो हमारे यहाँ बनेगी नई तरीके से पाव भाजी, मतलब वही हमारा, मतलब हमारा मेरा तुम्हारा इंक्लूड करके। हां।
मसाला कौन सा यूज हो रहा है? गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, ये MDH, MDH. अरे ये MDH नहीं है, गोल्डी है। तुम MDH का क्यों नाम ले रहे हो? असली मसाले सच सच गोल्डी। गोल्डी का क्या टैगलाइन है? गोल्डी मसाले। एड नहीं देखता बस वैसे गाना गाते हैं। नहीं मैं तो वाला एड नहीं देखा, मैंने MDH वाले दादाजी का एड देखा है। बढ़िया है, असली मसाले सच सच MDH, MDH. शादी से पहले मुझे कहता था मैं तेरे को हलवा बना के खिलाऊंगा, और जब से आया घूम के बंदा घुसा नहीं किचन में। बस शुरू हो गई शिकायतें। शिकायत नहीं है, मेरा भी एक कुछ था, मेरा मन था हलवा तुम्हारे हाथ से खाने का बनाऊंगा। बना दूंगा बेबी हलवा बना लेंगे। कल जाना है मैंने। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ, छींटे पड़ेंगे। तो पाव भाजी इन द मेकिंग गाइस। प्याज वगैरह वाला सिस्टम पड़ चुका है, टमाटर चॉप हो चुके हैं, सब्जियाँ कुछ जो बॉयल करी थी कुकर में वो भी गल चुकी हैं, उनको थोड़ा मैशअप किया जा रहा है। गोल्डी का मसाला रेडी है इसमें जाने को, एवरीथिंग इज रेडी, और दो भूखे प्राणी खाने को तैयार। बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अच्छे। मक्खन भी मेल्ट हो गया इसमें, वाह भाई वाह। इट लुक्स वेरी डिलीशियस एंड टेम्पटिंग। सैलेड भी है, सब कुछ है। इसमें नमक डाल दिया तुमने? और नींबू इसमें डालना है अगर मन हो तो, जिसको खाना है। मैं जरा सा डालूंगा, तो आई एम गोइंग टू ट्राई इट, देखते हैं कैसा बना है। ओके गिर जाएगा, गरम बहुत है। हाँ गरम बहुत है, फूको पहले। यम्मी, लेकिन गरम बहुत है, एक बार फूक लो। नहीं तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ, गरम बहुत है। इतना अच्छा की तारीफ ही नहीं कर पा रही हो, आई नो तुम्हारे मुंह में खाना भरा इसलिए नहीं। अच्छा होगा, इट लुक्स वेरी डिलीशियस, वेरी टेम्प्टिंग, वेरी डिलीशियस। बताओ भाई गजब, सीरियसली गजब, अच्छे बनी है। नींबू का जो टैंगी फ्लेवर आया है ज्यादा ऊपर डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कम डाला है नींबू, मैंने कम डाला है। हमारे यहाँ प्याज को चॉप करके इस भाजी के ऊपर डाल देते हैं, ये करते हैं हमारे यहाँ। मजा नहीं है। थैंक्स फॉर दिस मैन, इट रियली इज वेरी डिलीशियस। अभी तक टेम्पटिंग था लेकिन अभी डिलीशियस है क्योंकि मैंने इसे खा लिया है। थैंक यू फॉर दिस। चीयर्स नहीं किया भाई तुमने? कोई बात नहीं, चीयर्स हाथ से कर दे यार। चीयर्स। सीरियसली खाना इतना ज़्यादा अच्छा बना था कि मैंने तो ओवर ईटिंग कर लिया है। तुमने बच्ची का हाथ जल गया थोड़ा सा। मैंने बर्न ऑन लगा दिया है, ठीक हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। ज़रा सा यार, इट्स अ टीनी मिनी थिंग, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। और घड़ी में टाइम हो रहा है 10:30, इट्स गेटिंग लेट। शिल्पी को कल सुबह निकल के जाना है अपने ऑफिस के काम के लिए दिल्ली, तो वो कल सुबह जा रही है। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ, जाओगे तो आओगे ना वापस, वापस आओगे ना। हाँ जी, तो मैडम जी जा रही हैं दिल्ली अपने, तो मैडम जी जा रही हैं दिल्ली अपने ऑफिस के काम से, तो अपने को जल्दी सोना है, लेट हो गया है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के बस पकड़नी है, तो हम लोग जा रहे हैं सोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रात में जल्दी सो गए थे, बहुत प्यारी नींद आई। अब बात यह है कि शिल्पी को दिल्ली नहीं जाना अपने काम के लिए, उसका काम पोस्टपोन हो गया है, उसकी वो मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई है, इसलिए अभी वो नहीं जा रही है। तो कुछ नहीं, मंडे का दिन है आज, अपन तो ऑफिस निकल जाएंगे, बाकी नॉर्मल यूजुअल ये वर्क फ्रॉम होम ही करती रहेगी, और अपन ऑफिस में जाके मंडे की शिफ्ट लगाएंगे। बस यही है गाइज आज के व्लॉग में, इतना ही। होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों में शेयर करो, फ्रेंड्स में शेयर करो, ग्रुप्स में डालो व्हाट्सएप के, शेयर इट विद एवरीवन यू नो। ओके, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। टेक केयर गाइज, बाय।